Hey guys, welcome back to Jammu Vlogs. Welcome to a new video, guys. So, आज मैं हूँ घर के बाहर यार, बाल कटवाने जा रहा हूँ. पहले बताता हूँ क्या स्टोरी आपको. बेचारे बेजुबान जानवर देते हैं. सो आए, अभी मेरे से गलती से हो गया था थोड़ा सा, बट दैट जस्ट एक इम्पल्स है. बट आई डोंट यूजली हॉर्न बिहाइंड एनिमल्स यार, दे आर नॉट कार्स ना, तो हॉर्न तो नहीं बताना चाहिए उनके लिए, अनईजी होता है उनको भी. 8 महीने में यहाँ मैं पहली बार बाल कटा रहा हूँ. मतलब ऐसा नहीं है 8 महीने से कटाई नहीं है, घर जाता हूँ तो वहाँ कटा लेता हूँ. तो यहाँ पे मार्केट है, बहुत सुंदर सी, आपको दिखाता हूँ. आलीशान मार्केट है. तो अब आई डोंट नो कैसे यहाँ पे मे बी अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती हो, नहीं पड़ती हो, लेट्स सी, देखते हैं, पता लग जाएगा अभी. ओके, सो ये कुछ ऐसी सी मार्केट है, खाने पीने की, लॉन्ड्री, एवरीथिंग इज देयर. और ये कुछ हेयर ब्यूटी. ना यार, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा लग रहा है, छोड़ो. लड़कों के बाल यार, वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ. वो दिख गया रेजर्स, एक चंडीगढ़ में भी है, चलो यहाँ ट्राई करते हैं. हैपनिंग होता रहता है इधर. ये देखो, अभी एक दिन यहाँ पे वो बस्किंग हो रही थी. मतलब वो वाला भाई नहीं था जो सीपी में है, बट कोई और था. और आज भी भाई कोई सिंग कर रहे हैं. मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, जस्ट घर के मेरे आधा पौना किलोमीटर. मेरे बालों के हाथ लिटरली बहुत ख़राब हालत है बालों की. ऊपर से यहाँ का पानी माशाल्लाह. तो गाइस, फर्स्ट फ्लोर से मार्केट का व्यू. और ये भाई अपने अभी तक आ रहे हैं. मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है यार, अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, दैट्स व्हाई. तो अभी नीचे आ गया हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ वाइब बन चुकी है. और ये मुझे भी बोर मिल चुका है यहाँ पे मार्केट में. क्या हाल है भाई? और बढ़िया भाई, ठीक है. सुना, मैं इनको बता रहा था, मैं यहाँ रोज संडे वाइब होती है. पहले यहाँ एक बहुत अच्छा कैफे होता था, बट अब वो बंद हो गया. ऑकवर्ड गेम हो रहा है. गाइस, मज़ा आ रहा है. अभी हेयर कट करा के मैं जाऊँगा मस्त घर, फ्रेशन अप होके नहा होके फिर रात को मिलते हैं खाना खाने. हमने अपनी मेड हटा दी. वो क्यों? नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ कुक, एक मेल कुक एक्चुअली, जो कुक कर सकता है. और एक जो हमने बहुत मैसअप की थी चीज़ें, कि नेवर कभी भी सफाई और खाना एक बंदे से नहीं बनवाओ. मतलब दे शुड बी टू सेपरेट पीपल फॉर दिस, क्योंकि अगर हमें खाना नहीं पसंद आता वो हम एक्सक्लूड करते हैं, तो देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद सफाई. तो इसलिए हमने साफ सफाई बिल्कुल अलग कर दी है. एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ मेल कुक. सो चलो, कल तक शायद वो आ जाए. एंड नेक्स्ट वीक क्या, अभी फ्राइडे पापा आ रहे हैं. बढ़िया. सो हे, गुड मॉर्निंग गाइस अगेन, कैसे हो आप सब? सो कल रात को उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सो आई स्लेप्ट सीधा ही जाके. एंड अभी आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस. टुडे इज़ अ मंडे. एक बंदा हमारे साथ नहीं है अचल, वो जयपुर गया, तो आज वो आने वाला है मे बी रात को. सो अभी ठीक है, लेट हो गया थोड़ा सा. बाकी नई जो नया कुक हमारा आ चुका है, मैडम मैं आपको दिखाता हूँ घर की क्या कंडीशन है. वो भाई बंदे ने बिल्कुल एकदम चमका दिया है. बहुत बेइज्जती मारी उसने. फ्रिज से पिछले साल की दाल निकली. सड़े हुए करेले, सड़े हुए खीरे. कहता भैया उल्टी आ रही है, मैं फ्री में साफ कर दूंगा, प्लीज मेरे से साफ कराओ. बिकॉज हमने एक सेपरेट बंदा रखा सफाई के लिए. कहता प्लीज मेरे से साफ करा लो. हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं इतनी बदबू सह सकता. कोरोना आ रहा है, ऊपर से आप लोग बीमारियां हो जाएंगी. फिर चलो यार, चलते हैं, अभी लेट हो रहा हूँ. अभी विभोर जुड़ चुका है हमारे साथ. विभोर से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, एंड चलो फिर आपको वहीं पर मिलते हैं. ये रहा हमारा ऑफिस, ये देखो ये वाली बिल्डिंग है. और कैसा लग रहा है ऑफिस आके? बढ़िया भाई. बढ़िया लग रहा है, जैसा रोज लगता है. तो गाइस चलो, आज टुडे आई गिव अ ग्लिम्स ऑफ थोड़ी सी कॉर्पोरेट लाइफ की. एंड चलो, आज वैसे थोड़ा सा लेट आए हैं, 11 बजे. मतलब अभी 11 बज गए हैं, बट देन यूजली 10 बजे या 9:30 बजे के बाद कभी भी आ जाते हैं. मतलब अभी ऐसा सच इतना काम नहीं है, तो थोड़ी सी टाइमिंग फ्लेक्सिबल है. जब हो जाए तो देन यू हैव टू बी थोड़ा सा पंचुअल. अभी नहीं है इतने हम. ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर ऑफिस. मतलब अभी तक मैं बिल्कुल अजीब से कोने में हूँ. वैसे बहुत सुंदर ऑफिस है. उस साइड के जो व्यूज़ हैं, जहाँ पे विंडोज़ हैं सारे, वो और भी अच्छे हैं. तो अब मैं थोड़ा कॉर्नर साइड बैठता हूँ, यहीं बैठता हूँ. यहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्रॉस नहीं करता, कुछ नहीं वैसे ही. तो बस अभी साहब बोल नहीं सकता, यहाँ साहब बातें नहीं कर सकता, थोड़ा काम कर ले. नींद आ रही है बहुत ज़्यादा. लंच हमारे ऑफिस के जो सेकंड फ्लोर है, हम सारे
अभी 1:30 बजा है, तो 2 बजे से पहले पहले लगभग हम लंच कर ही लेते हैं यहाँ पे। ये लोग नीचे से ले आते हैं क्योंकि ऑफिस के बाहर बहुत सारी वो रेडी मार्केट टाइप सी है शॉप्स, तो वहाँ से ले आते हैं। चाहो तो नीचे ऑफिस की कैंटीन है, वहाँ भी खा सकते हो, बट वहाँ क्राउडेड होता है और कभी कभी अच्छा नहीं होता मेन्यू, तो हम नीचे से ले आते हैं। हेलो सर, एक बंदा और जुड़ चुका है हमारे साथ, रशीद, ब्लॉग में डेब्यू हो रहा है तेरा। तो और ये भाई थोड़ा खराब है तेरी। इसी के साथ आज का दिन यहाँ पे खत्म होता है। सो आज अभी घर जाके हम एक चैलेंज करने वाले हैं, याद है? तो उसमें क्या है कि हमने जो नया कुक मंगाया है बेसिकली आज वो छोले चावल बना रहा है, तो छोले वो भी बना रहा है, सुनना साक्षी। तो और उसी साथ पता लगा आदित्य भी छोले बनवा रहा है, तो हम एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं आपके लिए। हमें कटोरी में छोले चावल रखेंगे, दोनों के छोले रखेंगे और फटाफट घर चलते हैं एंड करते हैं आगे की तैयारी। अभी मैं हमारे जो कुक वाले भैया हैं उनके साथ आए हूँ एक मार्केट में। इस मार्केट का नाम है सदर बाजार मार्केट, ये हमारे घर के बहुत पास है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट है। ये देखो हमारे विकास भैया शेफ जा रहे हैं आगे, ये जा रहे हैं आर्यन जी। आर्यन जी कैसा लग रहा है भाई? ये इतनी बड़ी मार्केट है, जहाँ जहाँ तक देखोगे वो देखो दूर तक हर चीज मिलती है यहाँ। भाई वाह, बहुत सस्ती सब्जियाँ, 2 दिन की सब्जियाँ हमारी 40 रुपए में आ गई, 10 रुपए के 2 बैंगन, 10 रुपए की 2 मूलियाँ, बहुत सस्ती। भाई मजा आ गया, अगर नोएडा में कोई 45-44 इस एरिया में रहता है, 46 भी यहाँ आकर, तो यार एक बार यहाँ जरूर आओ। सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश, मतलब अपने मुंह से बोलती हैं सब्जियाँ कि यार हम कितने फ्रेश हैं। तो एक बार यहाँ पे आओ, बहुत अच्छी सब्जियाँ हैं। तो हमें भैया ले आए आज, तो चॉपिंग बोर्ड लिया हमने, कितना अच्छा, अब दिखाऊंगा आपको घर जाके। 200 रुपये में चॉपिंग बोर्ड, एक वो तेज धार वाला नाइफ वो हमें मिला, कुछ 30 रुपीज़ का ग्राइंड ग्रेटर मिल गया, 100 रुपीज़ का काफ़ी चीज़ें मिल गई, और एक वो लकड़ी वाला स्पैचुला, वो वुडन स्पैचुला वो हमें मिला 40-50 रुपीज़ का। बहुत रीजनेबल प्राइजेस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, एंड सब्जियां तो बहुत ही भरी रखी है। पीछे मार्केट जो लाइटें देख रहे हो ना आप, ये पूरी मार्केट है। चलो यार अभी गाड़ी में रखता हूँ ये सामान एंड घर पे जाके वो चैलेंज कंप्लीट करते हैं। सो गाइस लग रहा है कोई आया है, कौन आया देखते हैं। ओके सो हियर इज विभोर और ये रही साक्षी। चलो तो चैलेंज हमारा फेल हो गया, आदित्य तो आ ही नहीं रहा, वो बीमार है, हम वैसे ही खा लेंगे, टेस्ट टेस्ट कर लेंगे एक जंदर। तो आज हमने बनाया गाइस छोले चावल और जीरा राइस, चावल नॉर्मली जीरा राइस। हाँ यार एसी वाले गाइस, खाना इतना अच्छा था कि हम उसमें खो गए और हमने खत्म भी कर दिया, और अब सब रिव्यू देंगे। भाई कैसा था खाना? बहुत सेक्सी था भाई, मजे का, सबको बहुत पसंद आया, और इतना अच्छा था मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना ही भूल गया। तो खाने का स्वाद लाइक मैं क्या बोलूं, नहीं यार मतलब विपुर का ये कहना है कि हमें मोटा करते हैं, और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है हिंदी में है। तो अब इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो डू गिव मी थम्स अप एंड कोई ऐसा ऐसा कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।